कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में? मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए अगले वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में इकाई 1 चित्र के संग संग चित्र पाठ का अभ्यास किया था, जिसमें हमने दूसरे चित्र का अवलोकन किया था और उसके आधार पर हमने कुछ प्रश्न किए थे। हमने दूसरे चित्र में देखा था कि जो पहले चित्र में सब ठीक था, वो दूसरे चित्र में टायर फटने की वजह से सब इधर उधर बिखर जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब आज हम स्वाध्याय के कुछ प्रश्न करेंगे, बराबर है? तो इसमें पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र को देखकर चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। अभी रबर से बनने वाली चीजों के यहाँ पर नाम लिखने हैं। कौन कौन सी चीजें रबर से बनती है, पता है आपको? हाँ, तो बताओ। हाँ, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि चीज वस्तु जो है वो रबर से बनती है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? यहाँ हमने दूसरा चित्र देखा, तो अभी यहाँ पर तो टायर फटा हुआ है, तो टायर फटने से पहले क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा था, वो हमें लिखना है। तो क्या हो रहा था टायर फटने से पहले? तो टायर फटने से पहले इसका जवाब क्या आएगा कि टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़िन सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। ये सब पहले चित्र में हो रहा था। तीसरा प्रश्न है, टायर क्यों फटा? अभी दूसरे चित्र में हमने देखा है कि टायर फट गया है और इसकी वजह से ये सारा जो है, जो सब ठीक था, वो इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि टायर क्यों फटा, किस वजह से टायर फटा? तो इसका जवाब क्या आएगा कि टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट टायर पुराना हो गया था और उसमें साइकिल वाले ने ज्यादा हवा भर दी और इस वजह से जो है टायर फट जाता है। चौथा प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फट जाने के बाद क्या क्या हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसका आंसर क्या आएगा? हाँ, चित्र में सब दिखा है, हाँ बराबर है। तो टायर जवाब क्या आएगा कि टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा है, बराबर है। फिर जो है, कुंजड़ीन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबरा कर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगी, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा, ये सारी चीजें टायर फटने के बाद हुई, बराबर है। अभी हम आगे देखेंगे।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। ये पैराग्राफ है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और सुलेखन यानी कि अच्छे अक्षरों में आपको वापस आपकी नोटबुक में लिखना बराबर है। तो हम देखेंगे, सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। सूर्य अस्त होने से पहले ही वो कहां पहुंच गया, तो गुरुजी के घर पहुंच गया। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किए और वह जो है गुरुजी के घर जाता है और गुरुजी के चरण को छूकर उन्हें प्रणाम करता है, नमन करता। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। और जैसे ही वह गुरुजी के घर गया तो वहां जो उनके मित्र थे उन्हें पता चला कि वह वापस आ गया है, तो वो उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे, अलग अलग बातचीत करने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। कि गुरुजी उसको देखकर बोलते हैं, बालक को देखकर, कि तुम घर नहीं गए बेटा वरदराज। बालक का नाम क्या है? वरदराज। बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए? तो वो जो बालक था वो बड़ी नम्रता पूर्वक कहता था, गया था गुरुजी, परंतु आधे रास्ते से ही लौट कर आ गया, वापस घर नहीं गया। अब मेरी आंखें खुल गई है, वह कहता है कि अब मेरी आंखें खुल गई है, मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। वह बालक कहता है कि अब मेरी आंखें खुल गई है और अब मैं पूरी मेहनत से और लगन से पढ़ाई करूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा, और आज से अभी से मैं आपको कुछ भी कहने का कोई अवसर नहीं दूंगा। तो बच्चों, आपको ये पूरा पैराग्राफ आपकी हिंदी की नोटबुक में वापस अच्छे अक्षरों से लिखना। चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, बराबर दो चित्र दिए गए हैं, उन दोनों में आप देख सकते हैं कि समानता है, लेकिन कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है, तो वो आपको देखना है, ढूंढना है, बराबर है। तो यहाँ पर जो चित्र है उसमें आप क्या डिफरेंस देख सकते हैं, तो उस पे हमें गोल करना है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, बराबर, ये बीच में है, ये यहाँ पर है, बराबर, तो ये अंतर है ऐसा, बराबर। तो आपको ऐसे अन्य अंतर ढूंढने हैं और आपको वहां पर गोल करना है, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पहला पाठ, पहली इकाई चित्र के संक्षण समाप्त होता है। अगले दूसरे वीडियो में हम दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में स्वाध्याय के प्रश्न और जो चित्र के अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो सारे आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना। हमने वीडियो में तो सभी प्रश्न किए ही हैं, तो आपको ये सारे प्रश्न लिखने हैं, बराबर है। चित्र एक के प्रश्न और चित्र दो के प्रश्न, फिर स्वाध्याय के प्रश्न, और फिर आपको लिखना है परिच्छेद अच्छे अक्षरों में, बराबर है। तो ये आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।